क्या आप इस फैक्ट से वाकिफ हैं कि दुनिया का हर तीसरा आदमी मुसलमान है? अगर नहीं तो ये जान लीजिए कि दुनिया की अधिकांश आबादी मुसलमान होगी। ये आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वो दिन भी दूर नहीं जब सभी मुस्लिम गर्व से कह सकेंगे, चीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। नमस्कार दोस्तों, द मिस्टिका लैंड पर आपका स्वागत है। दुनिया की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अगर धर्म के हिसाब से बात की जाए तो एक अनुमान के अनुसार 2050 तक इस्लाम को मानने वाले लोगों की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 50% हो जाएगा, जिसके माने हैं कि पूरी दुनिया में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे और बाकी सभी धर्म अल्पसंख्यक बन जाएंगे। और मन में एक सवाल उठ पड़ा, अगर भविष्य में बहुसंख्यक होने पर सभी मुस्लिम देश एक हो जाएं, तो विश्व की तस्वीर कैसी होगी? अभी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, इसके बाद मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर अकेले देश की बात की जाए तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। दूसरी तरफ भारत में पाकिस्तान की तुलना में अधिक मुस्लिम रहते हैं। दुनिया में इस्लामिक देशों की संख्या सबसे ज्यादा है और इनकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के 24% है। ऐसी स्थिति में अगर सभी मुस्लिम देशों को मिलाकर एक देश बना दिया जाए तो ये देश एशिया महाद्वीप से भी बड़ा होगा और काफी ताकतवर भी होगा। कोई भी देश इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। यहाँ एक तरफ दुनिया में सऊदी अरब और कतर जैसे काफी अमीर मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया और नाइजीरिया जैसे गरीब मुस्लिम राष्ट्र भी हैं। अगर ये अमीर और गरीब मुस्लिम देश मिल जाएं, तो गरीब मुस्लिम राष्ट्रों से गरीबी दूर हो जाएगी और वहां के बाशिंदे भी अमीर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर सभी मुस्लिम देश एक साथ हो जाएं, तो शिया और सुन्नी के बीच की जंग भी खत्म हो सकती है। सभी मुस्लिम देशों के एक हो जाने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस देश का राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में दखल बढ़ जाएगा। लेकिन सभी मुस्लिम देशों के एक हो जाने के बाद विज्ञान में क्या वे सबसे आगे होंगे? क्या उनकी सैन्य शक्ति सबसे अधिक होगी, या तब भी किसी अमेरिका जैसे देश का ही राज होगा? जिस तरह अरब देशों के संसाधनों पर आज अमेरिका और यूरोप का कब्जा है, जिस तरह इराक और सीरिया में खून खराबा और जलजला हो रहा है, क्या ये सभी मुसलमानों के एक हो जाने से रुक पाएगा या फिर नहीं? जिस तरह पाकिस्तान की मस्जिदों में बम फट रहे हैं, क्या तब भी फटते रहेंगे? ये सारे सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सभी मुस्लिम राष्ट्र अलग अलग क्षेत्रों से हैं। इन सभी देशों की परंपराएं, संस्कृति, सभ्यता और भाषाएं अलग अलग हैं। अगर सभी देश एक साथ मिल जाते हैं तो ये सुनिश्चित करना भी मुश्किल होगा कि किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। सभी का पहनावा भी अलग अलग है। कुछ मुस्लिम देश आज भी संकीर्ण मानसिकता वाले हैं, तो कुछ देश खुले विचार वाले। यूरोपीय और एशियाई मुस्लिम देशों में ये अंतर साफ देखने को मिलता है। मौजूदा दुनिया को देखा जाए तो ज्यादातर मुसलमान गैर अरब देशों में हैं। ये एक अलग बात है कि मुसलमानों ने कभी अपनी शक्ति का एहसास नहीं किया और हर मामले पर उनकी नजर अरब देशों की ओर उठ जाती है। वह अब भी यही चाहते हैं कि उनका नेतृत्व अरब के आलिम ही करें, जो आज के हालातों में नामुमकिन लगता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर सभी मुस्लिम देश एक साथ हो जाएं, तो इससे पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें द मिस्टिका लैंड यूट्यूब चैनल। अब हमें इजाजत दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।